So hi, this is Ashish. You are watching Teach to Each. Welcome to my channel. So Sandeep Maheshwari, एक ऐसा नाम जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है. आजकल इंडिया की जो यंग जनरेशन है उन लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये नाम. वो अक्सर इनको यूट्यूब पे देखते रहते हैं और मोटिवेट होते रहते हैं. आप भी इनकी वीडियो से मोटिवेट हुए होंगे, कोई एजुकेशन वाइज, कोई जॉब वाइज, कोई हेल्थ वाइज. लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है वो टोटली डिफरेंट है. देखिए, मैं जिस चीज से मोटिवेट हुआ हूँ उससे मुझे होने लगी एक एक्स्ट्रा इनकम. और एक अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती. ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक मेरे यूट्यूब चैनल को 1 साल कंप्लीट हो गया और मेरा चैनल एकदम सक्सेसफुल है. देखिए, मेरा टॉपिक बहुत ही कम लोगों को कवर करता है, बट उसके बावजूद भी जितना 1 साल में मेरे को व्यूज, सब्सक्राइबर और इनकम जनरेट हुई है ना, वो बहुत है. संदीप सर की उस वीडियो के बारे में बात करूंगा जिसने मेरे को मोटिवेट करा है कि यूट्यूब चैनल को कैसे सक्सेस किया जाता है. आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि यूट्यूब में किसी वीडियो को अगर वायरल करना है या सक्सेस मानी है तो आपको ये कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये थंबनेल लिखना पड़ेगा या आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो देखिए यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बात की बात है. देखिए, जैसे मेरे पीछे शैडो आ रही है, मैं एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने घर में, वॉइस भी शायद ज़्यादा साफ नहीं होगी और डिम सी लाइट है, बट एनीवेज अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो वो वीडियो चलेगी ही चलेगी. संदीप सर की उस वीडियो का जो कोर पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सक्सेस हुआ जाता है यूट्यूब पे. तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. मुझे आज भी वो डेट याद है, 1 दिसंबर 2016 मैंने ये चैनल बनाया था एक बेकार से लोगो और चैनल आर्ट के साथ. उसके बाद कोशिश करी और ले दे के एक वीडियो बना डाली. लगा कि आराम से 100-200 व्यू तो मिल जाएंगे. मैंने उसे अपलोड किया और अपने फ्रेंड्स को बताया. कुछ ने मजाक उड़ाया बट काफी उन्हें सपोर्ट भी करा. अपने कलीग से चैनल को सब्सक्राइब करवाया और मजे की बात तो यह है कि अपने चैनल का पहला सब्सक्राइबर कोई और नहीं, मैं खुद था. हर कहानी की तरह यहाँ तक मेरी कहानी भी ठीक ही चल रही थी. कुछ दिनों बाद दूसरी वीडियो डाली, 2 व्यू मिले जिसमें से एक मेरा खुद का था. उसके बाद तीसरी वीडियो डाली, 5 व्यूज मिले. चौथी वीडियो डाली, 12 व्यूज मिले. हर यूट्यूबर की तरह बड़ी उम्मीद थी मुझे अपनी वीडियो से क्योंकि बहुत मेहनत करके बना रहा था, बट कुछ मिल नहीं रहा था. एक वीडियो और डाली, फिर वीडियो फ्लॉप हर बार की तरह. कुछ दिनों बाद एक और वीडियो डाली, मेरा फ्लॉप शो कंटिन्यू था. अब मुझे लगा कि शायद अब मुझे ये वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि कुछ भी व्यूज में आ नहीं रहे थे. ऊपर से जो सैटरडे था वो भी बर्बाद हो रहा था वीडियो बनाने में. तो इसके बाद मेरी कहानी में ट्विस्ट आता है. YouTube में मैं संदीप महेश्वरी जी के चैनल को 2015 से फॉलो करता आ रहा हूँ, बट 28 जनवरी 2017 मेरे मोबाइल पे YouTube से एक नोटिफिकेशन आया जिसका सब्जेक्ट था हाउ टू मेक मनी ऑन YouTube बाय संदीप. फिर मैंने इस पूरी वीडियो को देखा और इसमें एक ही बात पे मेन फोकस था कि आप वीडियो बनाना ना छोड़े, अपनी विल पावर को बनाए रखें. सिर्फ वीडियो बनाते रहें बिना ये सोचे समझे कि आप एक वीडियो बनाएंगे और उससे आपको बहुत सारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी. इसके बाद मैं हर एक वीक वीडियो बनाता रहा. 1 वीक गुजरा, 2 वीक गुजरा, 4 वीक गुजरे. उसके बाद एक के बाद एक महीना गुजरता गया. बनाते बनाते पूरे के पूरे 7 महीने गुजर गए और मेरे हाथ सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर आए. पर फिर भी मैं बनाता गया और नेक्स्ट मंथ मैंने एक वीडियो डाली, डबल वी लुकअप इन एक्सेल हिंदी, जो कि एक्सेल के फील्ड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट था. मेरे बाद भी ना जाने इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियो बनी है, लेकिन अगर आज भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरी ये वीडियो फर्स्ट रैंक पे है अभी भी. इस वीडियो ने मेरे चैनल पे इतने व्यू और सब्सक्राइबर दे दिए कि मेरा चैनल जबरदस्त तरीके से चल पड़ा और अब भी बड़े अच्छे से चल रहा है. अगर आप इस वीडियो को सर्च करेंगे तो देखिए ये वीडियो ये वाली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये उस हर वीडियो से अलग है जिसमें बताया गया है कि YouTube चैनल को सक्सेस कैसे करें. मैं इस वीडियो को अलग क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं और कुछ वीडियो आपने अपलोड करी है तो आप ये तो जानते ही होंगे कि एक वीडियो को वायरल करने के लिए उसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, थंबनेल, कीवर्ड, कंटेंट, टैग, सब्जेक्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, न जाने कितनी ही चीज है जो सब जरूरी हैं. मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट इन सब चीज़ों से ऊपर एक चीज़ है, वो है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति, जिसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है. मैं चाहता हूँ मैं आपको
सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को सर्च करें और देखें और पूरी तरीके से देखें। देखिए, जो यूट्यूबर है जो चाहते हैं कोई चैनल को स्टार्ट करना, या जो ऑलरेडी यूट्यूबर हैं और वीडियो डालते आ रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और पूरी देखें, क्योंकि हो सकता है कोई एक पॉइंट आपके माइंड में क्लिक कर जाए और आप फिर कभी डिसमोटिवेट हो ही ना और लगातार वीडियो बनाते रहें। तो मैं बात कर रहा था इस वीडियो की, इस वीडियो में क्या की पॉइंट्स हैं ये आपको बताता हूँ। तो पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको नेगेटिव करते हैं जो इस वीडियो में बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप एक यूट्यूब चैनल को बनाते हैं और आप इसे प्रमोट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, तो हो सकता है कि शायद वो आपका मजाक उड़ाए और आपके ऊपर हंसे, लेकिन आप उससे डिसमोटिवेट ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, तो आपका मजाक उड़ना भी बंद हो जाएगा, आपको अर्निंग होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपके घर में भी आपके मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी आपको कहेगा कि यार ये क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है कि रियल में यूट्यूब से इतनी इनकम आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका चैनल वायरल हो गया तो आपको समझाना पड़ेगा अपने घर वालों के कि हाँ, कि अगर मैं ज्यादा मेहनत कर पाया तो शायद इससे अर्निंग जरूर होगी। और तीसरा पॉइंट ये कि कभी कभी आपके चैनल पे बहुत टाइम तक कोई भी व्यू, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आता है, तो धीरे धीरे अगर 5 व्यूज, 10 व्यूज, 15-20 व्यूज आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो आप ये समझ लें कि आपका सब्जेक्ट या कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए, होता क्या है कि एक यूट्यूबर वीडियो बनाने में लगा रहता है लेकिन वो स्मार्टली बिहेव नहीं करता है, वो सिर्फ बनाता है अपलोड करता है, बनाता है अपलोड करता है। तो देखिए, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती रहेगी, क्योंकि यूट्यूब खुद अपने एल्गोरिदम को चेंज करता रहता है। तो जब एल्गोरिदम चेंज होते हैं तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके के आप टैग या डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट ये था। और फोर्थ पॉइंट ये कि अक्सर कभी कभी कोई यूट्यूबर इस तरीके के टॉपिक चुन लेते हैं जिसके लिए आपको एक अच्छा सा DSLR, एक माइक, एक प्रॉपर रूम चाहिए होता है और बहुत ही अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साथ में एक महंगा सा लैपटॉप। देखिए, अगर आप व्लॉगर हैं या कोई टेक्निकल टिप्स वगैरह देते हैं तो इन सब चीज़ों की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका कंटेंट HD क्वालिटी में नहीं होगा तो शायद उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि व्यूअर्स उस तरफ अट्रैक्ट हो या आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा देखें। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा करें कि कुछ मोबाइल से ही आप जुगाड़ करके अपने चैनल को स्टार्ट करें, जिससे कि बहुत इजी हो जाए, और मोबाइल की जो लीड होती है आप उसको यूज़ कर लें। और अगर आप जगह की बात कर रहे हैं तो देखिए, जगह इतनी मैटर नहीं करती। आपको अगर लगता है कि आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ बनाने में, तो आप छोटी सी जगह में एक पीछे एक पर्दा डाल दें जो एक कलरफुल सा हो, जो अच्छा लगे, और उसके आगे बैठ के वीडियो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आपको यूट्यूब में सक्सेस दिलाने के लिए। बट जो मेन चीज है जो इस वीडियो में बताया गया है, वो है पेशेंस, वो है विल पावर, वो है आपकी एकाग्रता जो आपको अपने माइंड में बनानी है। देखिए, हर चीज को आपको माइंड के लेवल में सोचना है। अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं 7 दिन बाद, तो आपको पहले ही सोच के उसके लिए हर चीज फाइनल कर देनी है, जैसे वीडियो, उसकी एडिटिंग, उसकी ऑडियो की एडिटिंग, उसके लिए टैग, ये सब आपको पहले ही सोच के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से वीडियो बनाएंगे और एकदम से उसे जल्दी जल्दी डाल दे अपलोड कर देंगे। देखिए, जल्दी अगर आप अपलोड कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना अच्छा ना बन पाए या आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो इतनी अच्छी ना हो पाए। तो इन चीज़ों पर आपको पहले ही फोकस करना है और सब चीज़ों को कलेक्ट करके सही तरीके से। देखिए, हो सकता है कि आपको उसमें टाइम लग जाए। मैं खुद एक वीक में एक ही वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि एक वीक में बहुत सी वीडियो डाल पाऊँ। तो आप एक वीडियो बनाएं, दो वीडियो बनाएं, बट कोशिश करें कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, यानी कि और उसे अलग हो। मैं एक वीडियो डालते आ रहा हूं हर एक वीक, उसके बावजूद भी मेरी कुछ ऐसी वीडियो हैं जो पूरे इंडिया में वायरल हैं, यानी कि जो नंबर 1 पे आती है अगर आप सर्च करेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपना कंटेंट बनाना है कि आप टॉप पे आ सके, और आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 1-2 महीने में सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप बड़े यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, भुवन बाम, अमित बडाना, टेक्निकल गुरुजी, देखिए ये स्टार्टिंग से ही पॉपुलर नहीं हुए थे। इन्होंने पहले कंटेंट स्टार्ट करा और उसके बाद बनाते गए और आज इस लेवल पे हैं। देखिए, आपको शर्माना नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए, ढिंचैक को जगह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोगों ने उसे यूट्यूब पे ट्रॉल किया है, बट आप लोग ये नहीं जानते कि उसकी एक वीडियो ने यूट्यूब से सिर्फ 3 दिनों में 17 लाख रुपए कमाए हैं। आप जानते होंगे, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 17 लाख रुपए की हमारे लिए क्या वैल्यू है। हमारा 4-5 साल का पैकेज है ये,
तो आप कोशिश करें कि आप कभी भी ये ना सोचें कि आपको एकदम सक्सेस मिलेगी। या देखिए, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अपने वीडियो का एड चलवाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, मगर आप एक भी रुपया इन्वेस्ट मत कीजिए जब तक कि आपका चैनल आपको कुछ भी अर्निंग नहीं दे रहा है। हो सकता है 2-4-5 सौ की बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम DSLR खरीद लें या लैपटॉप खरीद लें महंगा सा, तो ये कोई भी ठीक चीज नहीं है। तो आप तो इस वीडियो में जो बताया गया है वो है विल पावर और पेशेंस। तो इन सब चीजों के ऊपर आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपका चैनल सक्सेस हो पाएगा। और संदीप महेश्वरी की इस वीडियो को, जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसको जरूर देखें। बस आज के लिए इतना ही, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए जो नए यूट्यूब चैनल प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करना है, या जो कर चुके हैं। उन सभी को सक्सेस पाने के लिए ये फॉर्मूला तो अपनाना ही होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी।